वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली डीटीसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीटीसी बस रूट 578 की। दोस्तों, बस रूट 578 सफदरजंग टर्मिनल से नजफगढ़ टर्मिनल तक जाती है और इस बस की सुबह चलने की जो टाइमिंग है, सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक ये बस चलाई जाती है। इस दौरान ये बस 64 स्टॉप कवर करती है, जो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की सभी रूटों की जानकारी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। और अब बात करते हैं इस बस के रूट की। तो इसका पहला स्टॉप जहां से ये बस चलाई जाती है सफदरजंग टर्मिनल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है विकास सदन, इसके बाद जो स्टॉप आता है INA मार्केट, फिर जो स्टॉप आता है किडवाई नगर। दोस्तों, अब जो स्टॉप आता है सफदरजंग हॉस्पिटल, अगला स्टैंड जो आता है राजनगर, इसके बाद जो स्टैंड आता है नरोजी नगर, फिर जो स्टॉप आता है अफ्रीका एवेन्यू। और अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है भिकाजी कामा प्लेस, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है मोहम्मदपुर गांव, इसके बाद जो स्टॉप आता है RK पुरम सेक्टर 2, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है RK खन्ना टेनिस स्टेडियम। और अब बात करते हैं बस रूट 578 के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है RK पुरम सेक्टर 3, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है RK पुरम सेक्टर 4, इसके बाद जो स्टॉप आता है RK पुरम सेक्टर 1 और 4, फिर जो स्टैंड आता है RK पुरम सेक्टर 1। दोस्तों, अब जो स्टैंड आता है RK पुरम NAB, अगला स्टैंड जो आता है मुनीरका, फिर जो स्टैंड आता है वसंत विहार बस डिपो, इसके बाद जो स्टॉप आता है RK पुरम सेक्टर 5। और अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है वसंत विहार, इसके बाद जो स्टॉप आता है दोस्तों मलाई मंदिर। दिल्ली में दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध मलाई मंदिर को उत्तरा स्वामी मलाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है। यहाँ इस्तेमाल मलाई शब्द तमिल भाषा का है। और दोस्तों, इस मंदिर के सबसे नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वसंत विहार, जो कि इस मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों बस रूट 578 के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है वसंत गांव, इसके बाद जो स्टॉप आता है सुब्रोटो पार्क अर्जुन पथ, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है अर्जुन पथ, इसके बाद जो स्टॉप आता है APS कॉलोनी। दोस्तों, अब जो स्टैंड आता है शंकर विहार नेशनल हाईवे 8, अगला स्टैंड जो आता है महिपालपुर स्टेशन, इसके बाद जो स्टैंड आता है महिपालपुर, अगला स्टैंड जो आता है महिपालपुर गांव। और अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है रंगपुरी रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल, अगला स्टैंड जो आता है शिव मूर्ति, फिर जो स्टैंड आता है राजकारी क्रॉसिंग, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है शिव मूर्ति द्वारका मोर। दोस्तों, अब आप भी अपने मोबाइल फोन में चार्टर ऐप एप्लीकेशन के जरिए दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC बसों में टिकट या पास ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में बैठे कंडक्टर से रोजाना टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। इस ऐप पर आप अपने नियर बाय जितनी भी DTC बसें चल रही हैं उन सभी की लाइव लोकेशन पूरे रूट से देख सकते हैं। दिल्ली में DTC बसों में महिलाओं के लिए जो डेली फ्री पिंक पास बनता है वो पास भी आप इस ऐप पर ले सकते हैं। दोस्तों, चार्टर ऐप के QR कोड दिल्ली की हर DTC बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं बस रूट 578 के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है द अपल होटल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है समालखा क्रॉसिंग, इसके बाद जो स्टॉप आता है समालखा, फिर जो स्टैंड आता है कापासेरा क्रॉसिंग। दोस्तों, अब जो स्टैंड आता है कापासेरा मोर नजफगढ़ रोड, अगला स्टैंड जो आता है कापासेरा गांव ओबरॉय फार्म्स, इसके बाद जो स्टैंड आता है श्री गोलोक धाम ब्रिजवासन स्कूल, फिर जो स्टैंड आता है ब्रिजवासन रेलवे क्रॉसिंग। और अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है हरियाणा पोटरीज, अगला स्टैंड जो आता है बामनोली क्रॉसिंग, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है बामनोली पावर स्टेशन, इसके बाद जो स्टैंड आता है टोल टैक्स पोस्ट। दोस्तों, दिल्ली की DTC बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नंबर है 181 और 1091 और लेडीज मार्शल भी तैनात किए गए हैं इन बसों में। और दिल्ली में ऐसी महिलाएं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड फोन है, वो महिलाएं भी अब इस दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दिल्ली पुलिस की मदद ले सकती हैं।
नंबर है 9223166166। और दोस्तों हम आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने घरों की महिलाओं के मोबाइल फोन पर इस हेल्पलाइन नंबर को जरूर रखें, ताकि वो दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह अगर ट्रैवल करती हैं तो वो सेफ और सुरक्षित ट्रैवल कर सकें। और अब बढ़ते हैं बस रूट 578 के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है BSF कैंपस चावला। इसके बाद जो स्टॉप आता है सोमेश विहार चावला गांव। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है चावला गांव। इसके बाद जो स्टॉप आता है चावला स्कूल। दोस्तों अब जो स्टैंड आता है रेवला ताजपुर। अगला स्टैंड जो आता है झटीकरा मोर। फिर जो स्टैंड आता है गोयला डेरी क्रॉसिंग। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है दीनपुर गांव। और अब चलते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है दुर्गा विहार। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है वीडियो ऑफिस रोशनपुरा। अगला स्टैंड जो आता है रोशनपुरा। इसके बाद जो स्टैंड आता है चावला स्टैंड नजफगढ़। और दोस्तों अब आप भी अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप के जरिए दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC बसों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। किसी भी बस स्टॉप पर पहुंचने वाली DTC बस को ट्रैक कर सकते हैं। इन बसों के रियल टाइम टेबल, बस रूट और बस के नंबर की पूरी जानकारी आप अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप पर देख सकते हैं, जिससे अब आपको इन बसों में ट्रैवल करने के लिए DTC बसों के स्टॉपों पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल फोन के जरिए इन बसों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं बस रूट 578 के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है चावला। नेक्स्ट स्टैंड जो आता है पुलिस स्टेशन नजफगढ़ नागलोई। फिर जो स्टैंड आता है धानसा। इसके बाद जो स्टैंड आता है धानसा स्टैंड। अब जो स्टैंड आता है झरोदा क्रॉसिंग। और दोस्तों इस बस का लास्ट स्टॉप जो आता है नजफगढ़ टर्मिनल तक ये बस चलाई जाती है। दिल्ली में DTC क्लस्टर बसों में सफर आसान करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बस को लेकर यात्रियों में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बस के स्टॉप पर हाईटेक रूट मैप लगाए गए हैं। इन मैप के जरिए यात्री अपने स्टॉप के बारे में आसानी से बसों और रूट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC क्लस्टर AC इलेक्ट्रिक बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है। इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, जिसे आप वन दिल्ली ऐप और चार्टर ऐप के जरिए ले सकते हैं। AC इलेक्ट्रिक बसों का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है। दोस्तों इस पास को भी आप चार्टर ऐप और वन दिल्ली ऐप के जरिए ले सकते हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए जो डेली फ्री पिंक पास बनता है, वो पास भी आप इन दोनों ऐपों के जरिए ले सकते हैं। और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो DTC बस रूट 611A पर थी, जो कि मयूर विहार फेज 2 से धोला कुआं तक जाती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि DTC बसों की सभी रूटों की जानकारी सभी को मिल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।